हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल चार्ली गेमर। आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं एक पैलेस पे जो कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। ये एक माइनक्राफ्ट का एक नया प्लेस मैंने बनाया है। इसका नाम मैंने रखा है डीसी प्राइम। आइए आगे बढ़ता हूँ और मैं अपना नया घर दिखाता हूँ। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आइए चलते हैं इस पैलेस के अंदर। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं मिनी ब्लॉकी क्राफ्ट। दिस इज सो गुड गेम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें आपको काफ़ी मटेरियल दिए जाएंगे बनाने के लिए और एक काफ़ी बड़ी जगह देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है गेस्ट हाउस। यहाँ पे आप गेस्ट को रेस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ चलता है, आप देख सकते हैं। इसको बनाने में मुझे 1 महीने का वक्त लगा था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि थोड़े आसपास की भी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है ना, ये एक महल है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है और मेहनत भी लगी है। पहले मैंने इसको स्केच से बनाया, फिर मैंने इसको बनाया और मैंने पहले एक गेम ढूंढा मिनी ब्लॉकी क्राफ्ट। फिर मैंने इसको बनाया उसमें भी, और उसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है। आइए चलते हैं इसके अंदर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम को शेयर करिए। और ये देख सकते हैं अंदर का व्यू। ये मैंने एंट्री लॉन बनाया है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कैमरे भी लगाए हैं और आप देख सकते हैं ये पिलर काफ़ी अच्छे बने हैं। इस मटेरियल को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और ये मैंने बनाया है, ये एक मैंने एक महल टाइप का पैलेस बनाया है जिसमें हर चीज़ होती है और बीच बीच में सेविंग बर्ड भी होता है। और आगे बढ़ेंगे हमारे चैनल में। और ये मैंने टीवी बनाई है, स्क्रीन टीवी। यहाँ पे कैबिनेट बैठक होती है जिसमें काफ़ी मज़ा आता है और आप इसका व्यू देख सकते हैं। इट इज़ सो कूल। और हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे। इसको बंद करते हैं। आइए आपको, और हमारे ऐसे काफ़ी सारे बने हैं। ये हमारे अंदर आने का रास्ता है। और रात हो गई, गेट बंद कर देते हैं। और वेलकम टू माय न्यू पैलेस। आप देख सकते हैं मैंने उसमें काफ़ी लाइटिंग भी करी है और इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, मेहनत लगी है सिर्फ आपके लिए, आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखाना बाकी है, लेकिन मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। गेट खोलते हैं। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, इट इज सो गुड। आप देख सकते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। ये किसी पैलेस से कम नहीं हो सकता। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत करी है, इसको एकदम पैलेस की जैसे बनाने की काफ़ी मेहनत करी है, आप देख सकते हैं। ये एक तरह से राजा का महल भी बोल सकते हैं। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब। और ये मैंने म्यूज़िक रूम बनाया है।
और आप देख सकते हैं। और इसमें होता क्या है ना गाइस, इसमें काफ़ी सारे मटेरियल मिल जाते हैं जिसको बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए कि क्या कैसे बनाना है, क्या कैसे अरेंजमेंट करना है, वो तो गाइस हो ही जाता है। महीना भर लगता है, काफ़ी दिमाग लगता है कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। ये एक मैंने रूम बनाया है, यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे रूम हैं और आपको इसका यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ। ये है यहाँ का वॉशरूम, चलते हैं और नेक्स्ट जगह। आप गाइस ऐसे नज़र लगा के देख सकते हैं कितना बड़े बना है ये पैलेस। ऐसे मैंने काफ़ी रूम बनाए हैं और ये पैलेस काफ़ी बड़ा है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। यू गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब इस मेहनत के ऊपर। गाइस हम लोग नए नए जगह चलते हैं, मैंने इसमें काफ़ी सीक्रेट रूम, सीक्रेट जगह, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे ये है बार रूम, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, सब कुछ का यहाँ मैंने अरेंजमेंट किया गया है। ये एक लग्जरी पैलेस भी कहा जा सकता है गाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से ये रूम पहले देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे शावर का भी इंतजाम किया गया है। और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आइए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपको पूरा पैलेस ऊपर से दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, सिर्फ मुझे इतना बनाने में कुल 15 दिन का टाइम लगा, सिर्फ इतना बनाने में, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में ओनली। और चलिए ऊपर से दिखाता हूँ, ये मैंने इस स्विमिंग पूल बनाया। यहाँ से आपको सी शॉट भी मिल सकते हैं गाइस, आप भी बना सकते हैं ये, आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है ये, पहले पेंसिल्स कैसे बनाया गया था गाइस। बाहर का भी थोड़ा सीन दिखा देते हैं, ये रनिंग प्लेस है और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है गाइस, स्विमिंग पूल, लुक एट दिस गाइस। और यहाँ पे रात के खेलने के लिए बास्केटबॉल भी का इंतजाम भी किया गया है। ये मेरी मेहनत है गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब। आप देख सकते हैं रात का वक्त है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और तो और यहाँ पे मैंने हॉर्स रूम भी बनाया है, हॉर्स रूम मतलब हमारे घोड़ों का रूम, इसमें हमारे घोड़े भी हैं गाइस। ये नाइट है और ये इसका रन है, ये है हॉर्स, इसमें हमारे हॉर्स हैं, हम इसमें बैठ सकते हैं। ये हम लोग ने इसको इसलिए बनाया है, काफ़ी मज़ा आए गाइस। यहाँ पे इसको हॉर्स रेस भी बनाया गया है हम लोग ने, यहाँ पे हॉर्स हैं, इनको खोलते हैं तो ये हॉर्स राइडिंग हो बनता है। ये पैलेस में जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं राजाओं के पास, वो सब हमने आपको दिखाया, हर एक रूम दिखाया। लेकिन रूम मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और इसको आप सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए हमारे वीडियो को।